पंजाब में कांग्रेस की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले कमलनाथ को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, दो दिन बाद ही उन्हें हटाना पड़ा। अब हिमाचल की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी को पंजाब प्रभारी का जिम्मा दिया गया। सियासी बवाल भी शुरू हुआ। असल में आशा कुमारी को हाल ही में लैंड ग्रैबिंग के एक मामले में एक साल की सजा हुई है, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। आशा कुमारी अभी बेल पर बाहर है। कांग्रेस के इस फैसले को लेकर विरोधी, खासतौर पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी हमलावर है। विरोधी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को क्या दाग अच्छे लगते हैं। कांग्रेस के अंदर भी इस फैसले को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। हालांकि कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस के अंदर नेताओं का मानना है कि इस फैसले से सत्तारूढ़ अकाली दल के खिलाफ करप्शन को मुद्दा बनाकर उनके लिए एक मुश्किल साबित होगी और आम आदमी पार्टी से हाईजैक कर ले। तो विरोधी दल कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि स्वच्छ राजनीति से कांग्रेस कोसों दूर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस के पास अब कोई अच्छा नेता बचा नहीं है। कांग्रेस साफ स्वच्छ राजनीति से कोसों दूर है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये दूरगामी पहले सोच सोची थी कि भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, और उसका कारण यही है कि जब तक कांग्रेस जिंदा रहेगी करप्शन जिंदा रहेगी। और इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसे पंजाब के लोगों को अपील भी करेंगे कि कम से कम ऐसे लोगों से दूर रहें। कांग्रेस पार्टी पंजाब में जो बुरी स्थिति है भ्रष्टाचार की, उससे लड़ने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। जिस तरह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उससे लड़ने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसीलिए एक ऐसी लेडी को इंचार्ज बनाया गया है जिसके ऊपर ज़मीन पे कब्जाने के आरोप हैं, और गंभीर आरोप ही नहीं है बल्कि वो उसके अंदर कन्विक्ट हो चुकी है। तो कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जननी है, ऐसा लगता है कि इनके यहाँ साफ छवि वाले लोगों का काल पड़ चुका है, और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कांग्रेस पार्टी में खत्म हो चुकी है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ या जो राज्य की बदतर हालत है उससे लड़ने की हिम्मत जुटा सके। तो इधर विपक्ष ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर सफाई भी आ गई है। मीम अफजल से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें आशा कुमारी पर लगे आरोपों के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन पर कोई इस तरह का मुकदमा है या कोई ऐसी बात है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, जाहिर है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और चलिए अब आपको बताते हैं आशा कुमारी का प्रोफाइल क्या है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से विधायक हैं आशा कुमारी। फिलहाल कांग्रेस की सचिव भी हैं वो। तो हिमाचल प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं आशा कुमारी। उनको एक साल के कारावास की सजा भी सुनाई गई है। इस पर हालांकि स्टे लगाया अभी हाईकोर्ट ने, जिसको लेकर ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक आरोपी को कैसे प्रभारी बनाया गया। तो क्या है आरोप, वो भी बताते हैं। आशा कुमारी के खिलाफ जमीन हड़पने का आरोप है। फर्जी दस्तावेजों से उन्होंने वन क्षेत्र की जमीन अपने नाम कराई थी। एक साल की सजा के साथ उन्हें 8,000 रुपए का जुर्माना भी भरना है। फिलहाल जमानत पर बाहर है आशा कुमारी। जगदार भुल्लर हमारे साथ हैं। जगदार, एक बात मुझे बताइए कि कांग्रेस के पास क्या कोई चेहरा नहीं बचा है, या फिर मंथन नहीं किया जाता है कि जिस भी नाम को वो लेकर आते हैं उस पर विवाद शुरू हो जाता है? बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जब भी हाईकमान ने पंजाब मामले के प्रभारी लगाने की कोशिश की थी, वो कोशिश काफी नाकाम रही और कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा। चाहे इसमें कमलनाथ की जब उन्होंने पंजाब का प्रभारी लगाया था उनको, तब भी उनको विवादों में आ गई थी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, और खास करके पंजाब में चाहे श्रोमणी अकाली दल और भाजपा, चाहे आम आदमी पार्टी, तो उन्हें तीखे हमले किए थे। तो जब आशा कुमारी की एक बार फिर नियुक्ति की गई आला हाईकमान की तरफ से, तो तभी साथ के साथ पंजाब के तमाम जितनी भी पार्टी है, क्योंकि पंजाब में चुनाव का माहौल, तो ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह इस चक्कर में गिर गई कि आखिर उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि वो किस रास्ते में चले और लोगों को मनाने की कोशिश करे, और जो विरोधी कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगा रहे उनका जवाब दिया जाए।
और जैसे आशा कुमारी के ऊपर वहां की लोकल अदालत की तरफ से उनको एक साल की सजा सुनाई थी, हालांकि वो सजा बाद में हाईकोर्ट ने मुतल भी कर दी थी, लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जरूर इस मसले पे बुरी तरह फेल हो रही कि आखिर जब भी पंजाब का बर्बारी लगाना होता तो मंथन क्यों नहीं किया जा रहा। और ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने विदेश दौरे पे वो आके ही पंजाब का बर्बारी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ही सोनिया गांधी की तरफ से आशा कुमारी को एक जिम्मेवारी सौंपी है, लेकिन अभी वो जिम्मेवारी बुरी तरह विवादों में गिर चुकी है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।